ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया। रागीर फैंस के लिए ये दो लाइंस काफ़ी हैं और इतनी ही बातें काफ़ी हैं विराट कोहली फैंस के लिए भी। दो एकदम अलग दुनिया के लोग जिन्हें बाहर की आवाज़ें कभी परेशान नहीं कर पाई, जिन्होंने हमेशा अपने मन का किया और ऐसा किया कि कल के आलोचक भी आज फैन बन गए। रागीर पर हमारी सिनेमा टीम अक्सर ही बात किया करती है, लेकिन आज का दिन किंग कोहली का है। कोहली कई महीनों तक सेंचुरी की तलाश में भटके, लोगों ने बहुत मजाक बनाया। पाकिस्तानी बॉलर के हवाले से कहा गया कि अब कोहली वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन लोगों को ये बात याद ही नहीं थी कि कोहली ने ये स्टैंडर्ड खुद सेट किए हैं। ये कोहली ही थे जिन्होंने लोगों को बताया कि क्रिकेट ऐसे भी खेला जा सकता है। नंबर 3 पर आने वाला बंदा 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी जरूरत पड़े तो भागकर 3 रन ले सकता है, और यही बंदा लगभग छाती तक की हाइट पर आ रही गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उड़ा सकता है, और उड़ाना भी ऐसा कि शॉट मारने के बाद पलटकर देखने की जरूरत ही ना रहे, वो भी तब जब दुनिया के तमाम दिग्गज हार मान लें। आखिरी 8 गेंदों पर 28 रन की जरूरत के बाद ये आत्मविश्वास सिर्फ कोहली ही दिखा सकते हैं, और बॉलर भी कोई गली या क्लब लेवल का नहीं, वर्ल्ड क्लास लगातार 140 प्लस फेंकने वाला। कोहली ने लंबे इंतजार के बाद एशिया कप T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारी। ये इस फॉर्मेट में उनकी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी थी, लेकिन इससे लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। लोगों ने कहा कि विराट ने छोटी टीम को मारकर किसी तरह से अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन विराट को इससे फर्क नहीं पड़ा, वह लगे रहे। उन्होंने इसके बाद टेस्ट और वनडे में भी शतक जमाए, घर में और बाहर भी खूब धमाल मचाया, लेकिन अक्सर ही उनकी सेंचुरीज को यह कहकर कमतर बताया जाने लगा कि विराट अब पहले जैसा डोमिनेट नहीं कर पा रहे। और फिर आया एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन इस शुरुआत को अच्छे अंत में विराट ने ही बदला। के राहुल के साथ मिलकर विराट ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की खूब खबर ली। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 233 रन की नाबाद साझेदारी कर डाली। इस साझेदारी में विराट 94 गेंदों पर 122 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि राहुल ने 106 गेंदों पर 111 रन की पारी खेली। अपनी पारी की शुरुआत में विराट सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बैटिंग करने में थोड़ी समस्या आ रही थी, लेकिन अंत तक आते आते विराट रंग में लौट आए और आखिरी ओवर को जिस तरह से फिनिश किया उसने राहगीर के इसी गाने की 2 और लाइनें याद दिला दी। पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। ऐसे तमाम सारे वीडियोस के लिए लर्निंग टॉप स्पोर्ट्स को देखते रहिए, जुड़े रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।